हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पथ में। दोस्तों मैं सचिन मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग रिज्यूमे पढ़ रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग या कोडिंग डिकोडिंग का चौथा लेक्चर है दोस्तों। तो चलिए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में रेट का कोड क्या है, 6720। तो ग्रीन का कोड आपसे पूछ रहा है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रेड का कोड क्या है, आर ई डी, रेड का कोड 6720। तो क्या करेंगे क्या दोस्तों, पहले इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, 18, इसका 5 और इसका 4। दोस्तों यदि हम देखो इधर से चेक करें इसको, यहां पे 4 है, क्या हुआ 2 ऐड किया है, 4 2 6 हो गया। इसमें भी दोस्तों यहां से देखो 5 है, इसमें भी प्लस 2 ऐड किया है, 7 हो जाएगा। अब यहां पे दोस्तों देखो 18 है, इसमें भी प्लस 2 ऐड किया गया है, यानी कि इस टाइप से कोडिंग की गई है, हर एक में प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐड किया गया है। इसी टाइप से आप लोग ग्रीन का भी निकाल सकते हैं, चलिए ग्रीन का भी निकाल लेते हैं, जी आर डबल ई एन। पहले क्या करेंगे, इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू लिख लेते हैं, 7 18 5 5 और 14। अब करना क्या है दोस्तों कि हर एक में प्लस 2 आपको ऐड करना है, जैसे इसमें प्लस हम 2 ऐड करेंगे तो अपना कहना 16 हो जाएगा, इसमें भी प्लस 2 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, इसमें भी प्लस 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, और इस 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9। यानी ग्रीन का कोड क्या हो गया, ये आपका ग्रीन का कोड है 1677209। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 1677209। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में रीजन का कोड क्या दिया है, 5, विलीव का कोड क्या दिया है, 7 और गवर्नमेंट का कोड, गवर्नमेंट कोड आपसे पूछ रहा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले रीजन का चेक करेंगे, रीजन का 5 कोड कैसे हुआ है, फिर विलीव का चेक करेंगे, इसी टाइप से हम लोग गवर्नमेंट का भी निकाल सकते हैं। पहले रीजन का चेक करते हैं, आर ई ए एस ओ एन, कोड कितना दिया है, 5। दोस्तों इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू लिख के यदि हम ऐड भी करें या डिवाइड करें तो 5 कोड तो नहीं बनेगा। तो करते क्या है दोस्तों, पहले इनको हम लोग चेक करते हैं कितने अल्फाबेट्स हैं, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6। कोड क्या है, अल्फाबेट्स की तुलना कितने हैं, 6, और कोड क्या है, 5। विलीप्ट को भी चेक कर लेते हैं, बी ई एल आई एल आई ई वी ई डी बराबर कितना दिया है, 7। दोस्तों इसमें चेक करें कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोड क्या है, 7। यानी किस टाइप से कोडिंग की गई है, जो ये अल्फाबेट दिए हैं टोटल, इनको ऐड करके उसमें से एक कम करके कोड किया गया है। जैसे अल्फाबेट देखो यहाँ पे 6 है, तो कोड क्या है, 5। यहाँ पे अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फाबेट्स हैं टोटल, कोड क्या है, 7। इसी हिसाब से आप लोग गवर्नमेंट का भी निकाल सकते हैं, जी ओ वी ई आर एन एम ई एन टी। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो कोड क्या हो जाएगा, 9। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मार्क कोड क्या दिया गया है, N26I16, उसी सांकेतिक भाषा में आर्मी का आपसे पूछ रहा है। पहले हम लोग मार्क का चेक कर लेते हैं किस टाइप से कोडिंग की गई है
उसका पता चल जाएगा तो आरबी का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। भाई मार्स क्या है, एम ए आर के, मार्क कोड क्या है एन 26 आई 16। पहले इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू लिख लेते हैं, 13 1 18 और 11। अब किस टाइप से कोडिंग की गई है दोस्तों, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखो पहले इसके साथ करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखो 27 में से ये 13 को माइनस कर कितना आ जाएगा, 14। 14 क्या आता है आपका n। अब एक में से सॉरी 27 में से एक माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपका 26। अब इसके साथ इसका चेक कर लेते हैं, 27 में से 18 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 क्या आता है i। अब इसका चेक कर लेते हैं, 27 में से 27 में आपको 11 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 16। कोड किस टाइप से कोडिंग की गई है दोस्तों, जो ये मार्क्स के जो ये प्लेस ऑफ वैल्यू है उनको 27 में से माइनस करके कोडिंग किया गया है। 27 में से जो प्लेस ऑफ वैल्यू है उसको घटा के कोडिंग किया गया है, यानी एक आपको अल्फाबेट लिया है, फिर एक न्यूमेरिक डिजिट लिया है, फिर एक अल्फाबेट लिया है और फिर एक न्यूमेरिक डिजिट लिया है। इसी टाइप से हम लोग आर्मी का भी निकाल सकते हैं। ए आर एम वाई, इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख लीजिए, 1, 18, 13 और 25। अब करना क्या है दोस्तों, भाई पहले हम 27 में से एक को माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी देखो 27 में से इसको माइनस करेंगे, 27 में से यदि 18 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, फिर यहाँ पे 27 में से यदि हम 27 माइनस 13 माइनस करेंगे तो 14 आएगा आपका, और 27 में से यदि 27 माइनस 25 करेंगे तो 2 आएगा। अब क्या करना है दोस्तों, कोडिंग देखो पहले उसमें क्या किया है, एक अल्फाबेट लिया है, फिर एक न्यूमेरिक डिजिट है, फिर अल्फाबेट है और फिर न्यूमेरिक डिजिट है। तो आप इसमें भी आप लिख सकते हैं, 26 क्या आता है आपका जेड, फिर एक न्यूमेरिक डिजिट लिया है तो आप 9 को ऐसे रहने दो, 14 क्या आता है आपका एन, फिर एक न्यूमेरिक डिजिट यानी 2, इसका कोड क्या हो जाएगा जेड 9 एन 2। कौन सा ऑप्शन सही है, जेड 9 एन 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या है, ब्लैक का कोड आपको दिया है C14D7P, व्हाइट का कोड आपसे पूछ रहा है, तो चलिए पहले ब्लैक का निकाल लेते हैं, इसका पता चल जाएगा तो व्हाइट का हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। पहले ब्लैक का चेक करते हैं, BLACK, ब्लैक का कोड क्या है C14D7P, इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख लीजिए, B की 2, L का 12, 1, 3, 11। अब ये कोडिंग चेक करें तो कैसी कोडिंग की गई है पहले चेक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है C, इनका भी प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, 3, D पे क्या होता है 4 और P का कितना होता है 16। अब चलिए इसका यदि इसके साथ चेक करें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ क्या है 3, यानी +1 ऐड हुआ है। अब इसका इसके साथ चेक करें, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, यानी कि +2 ऐड हुआ है। इसका इसके साथ चेक करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे D है, D पे यानी प्लेस ऑफ वैल्यू 4, इसमें क्या हुआ है 3 को ऐड किया गया है। अब इसका चेक करेंगे नेक्स्ट संख्या के साथ, यहाँ पे 3 है, वहां पे 7 है, कितना ऐड हुआ है 4। अब इसका चेक कर लीजिए आप, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे P है, यानी 16 इसकी प्लेस ऑफ वैल्यू, कितना ऐड हुआ है 5। इस टाइप से कोडिंग की गई है, +1 +2 +3 +4 +5, सब में क्या है 1 2 3 4 5
ऐड किया है। इसी टाइप से आप व्हाइट का भी निकाल सकते हैं। चलिए उसका भी चेक करते हैं, डब्ल्यू एच आई टी ई प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख लीजिए पहले 23, 8, 9, 20 और 5। क्या करना है भाई, इसमें भी हम ऐड करेंगे प्लस 1, कितना आ जाएगा 24। इसमें ऐड करेंगे प्लस 2, कितना आ जाएगा 10। इसमें प्लस 3 ऐड करेंगे 12। इसमें प्लस 4 ऐड करेंगे प्लस 4 24, और इसमें प्लस 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10। अब क्या है देखो दोस्तों, इसमें क्या है, एक अल्फाबेट लिया, एक न्यूमेरिक डिजिट लिया, फिर अल्फाबेट लिया, फिर न्यूमेरिक डिजिट लिया और फिर अल्फाबेट लिया। उसी टाइप से हम इसमें भी लिख लेंगे। पहले अल्फाबेट लिया है 24, क्या आता है आपका x, फिर एक न्यूमेरिक डिजिट 10 को ऐसे ही रहने दो, फिर एक अल्फाबेट 12 पे आपका l आता है, फिर एक न्यूमेरिक डिजिट में 24 को आप ले लीजिए, और फिर 10 पे क्या आता है j, यानी आपका कोड क्या है, व्हाइल का कोड क्या हो गया x 10 l 24 j। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, x 10 l 24 j, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक का कोड क्या दिया है l5 d16 g, उसी सांकेतिक भाषा में व्हाइट का कोड आपसे पूछ रहा है, तो पहले चलिए ब्लैक का निकाल कर चेक कर लेते हैं, ब्लैक का मालूम हो जाएगा तो व्हाइट का हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। चलिए ब्लैक का क्या है, ब्लैक BLACK, ब्लैक का कोड क्या है L5 D16 G। इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू पहले लिख लीजिए आप 2, 12, 1, 3, 11। दोस्तों इनका भी जो आप प्लेस ऑफ वैल्यू लिख लीजिए, इसे L आपका 12 पे आता है, D का प्लेस ऑफ वैल्यू 4 होता है, G का प्लेस ऑफ वैल्यू 7 होता है। हम लोग क्या है कोडिंग करने में आसानी होगी, यानी कि देखो यहाँ पे यदि इसको ऐड करें 11 है, यहाँ पे 12 है, यानी क्या दिख रहा है कि भाई प्लस 1 ऐड हुआ है, यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 5 दिख रहा है, यानी क्या हो रहा है प्लस 2 को ऐड किया गया है। यदि इसका इसके साथ चेक करें, यहाँ पे 1 वहाँ पे 4, यानी कि प्लस 3 को ऐड किया गया है। यदि इसका इसके साथ चेक करें, यहाँ 12 है और वहाँ पे 16, यानी कि प्लस 4 ऐड हुआ है। इसका भी चेक कर लीजिए, इसके साथ यहाँ पे 2 है वहां पे 7, यानी कि प्लस 5 को ऐड किया गया है। कोडिंग किस टाइप की गई है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5, यानी 1 2 3 4 5 को ऐड किया गया है। इसी टाइप से हम व्हाइट का भी निकाल सकते हैं। इसमें भी कोडिंग में देख सकते हैं, एक अल्फाबेट है पहले, फिर एक न्यूमेरिक डिजिट है, फिर एक अल्फाबेट है, फिर न्यूमेरिक डिजिट है और फिर एक अल्फाबेट है। इसी टाइप से हम व्हाइट के लिए निकाल लेते हैं। यदि व्हाइट की बात करें, डब्ल्यू एच आई टी ई प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख लीजिए, डब्ल्यू का 23, एच का 8, 9, 20 और 5। अब पहले इसका निकालेंगे, यहाँ पे 5 है प्लस ऐड किया 6 आया, यहाँ पे 20 है प्लस 2 ऐड किया 22 आया, यहाँ पे 9 है प्लस 3 ऐड किया 12 आ जाएगा, यहाँ पे 8 है प्लस 4 ऐड किया कितना हो गया 12 आ गया, यहाँ पे 23 है, इसमें भी यदि प्लस 5 ऐड करेंगे तो 23 5 28। ठीक है, अब दोस्तों क्या है, एक अल्फाबेट, एक न्यूमेरिक डिजिट, फिर अल्फाबेट, फिर न्यूमेरिक डिजिट और फिर अल्फाबेट। पहले के लिए इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू हम लिख लेते हैं। 6 पे क्या आएगा आपका यफ, फिर एक न्यूमेरिक डिजिट है तो 22 आप लिख दीजिए, फिर अल्फाबेट है 12 पे आपका यल आता है,
फिर एक न्यूमेरिक डिजिट है तो आप 12 रहने दीजिए। फिर 28 पे क्या आता है, 26 बजट, 27 पे आपका ए और 28 पे आपका बी। कोड क्या हो गया, एफ 22 एल 12 बी, यही आपका व्हाइट का कोड हुआ। कौन सा ऑप्शन सही है चेक कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में पार का कोड क्या दिया गया है, P9Z11, और नेवी का कोड आपसे पूछ रहा है। तो चलिए पहले पार का चेक कर लेते हैं फिर नेवी का देखते हैं। PARK, पार्क बराबर क्या है, कोड क्या दिया गया भाई, P9Z11। दोस्तों करेंगे क्या, पहले प्लेस ऑफ वैल्यू इनकी लिख लेते हैं, 16, 1, 18 और 11, इनका भी प्लेस ऑफ वैल्यू लिख लीजिए। पी कितने पे आता है, 16 पे, जेड आपका 26 पे आता है। अब चलिए दोस्तों किस टाइप से कोडिंग की गई है हम लोग चेक कर लेते हैं। यदि इसका इसके साथ चेक करें तो देखो यहाँ पे 11 है, यानी कि 27 माइनस 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 16। अब यहाँ इसका इसके साथ चेक कर लीजिए, इसमें भी 27 में से यदि हम 18 को माइनस करेंगे तो आपको 9 आ जाएगा। अभी इसका भी चेक कर सकते हैं कि 27 में से यदि 1 माइनस करेंगे तो 26 आता है। अब इसका इसके साथ चेक कर लीजिए, इस 27 में यदि हम 16 माइनस करेंगे तो आपको 11 आ जाएगा। यानी कोडिंग किस टाइप से की गई है, 27 में से जो इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू है उनको क्या है, घटा के कोडिंग किया गया है। और इसमें भी देख सकते हैं आप कि एक अल्फाबेट है, फिर न्यूमेरिक डिजिट है, फिर अल्फाबेट है और फिर न्यूमेरिक डिजिट है। इसी टाइप से हम नेवी का भी निकाल सकते हैं। चलिए नेवी का चेक कर लेते हैं, NAVY, प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख लीजिए, 14, 1, 22 और 25। पहले चलिए इसका चेक कर लेते हैं भाई, 27 माइनस 25 बराबर आपका 2 आया। अब इसका चेक करेंगे, 27 माइनस 22 में कितना आ गया, 5 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे इसका चेक कर लेते हैं, 27 माइनस 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 26। अब यहाँ पे इसका चेक कर लीजिए आप, 27 माइनस 14 बराबर आपका 13। अब पहले हम क्या है, पार्क में हमने चेक किया कि भाई एक अल्फाबेट मिला, न्यूमेरिक डिजिट मिला, फिर अल्फाबेट मिला और फिर न्यूमेरिक डिजिट मिला। उसी टाइप से इसमें भी देख लेते हैं, 2 पे आपका क्या आता है, बी, फिर न्यूमेरिक डिजिट लिया, 26 पे आपका जेड आता है, जेड के लिया, फिर 13 के लिया। यानी क्या कोड हो गया नेवी का, B5Z13। कौन सा ऑप्शन सही है आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपको देखो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, V5Z13। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट का कोड दिया है Y12J11EM, उसी सांकेतिक भाषा में टावर का कोड आपसे पूछ रहा है। पहले लाइट का चेक कर लेते हैं किस टाइप से कोडिंग किया गया है, यदि लाइट का मालूम हो जाएगा तो टावर का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। पहले चलिए लाइट का चेक कर लेते हैं, LIGHT, कोड क्या है लाइट का, Y12J11EM। इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख लीजिए, 12, 9, 7, 8, 20, वाई का 25, जे का 10 और यम का 13। अब किस टाइप से कोडिंग किया गया है चलिए चेक कर लेते हैं आप। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 20 है और यहाँ पे 25, यहाँ दिख रहा है भाई प्लस 5 को ऐड किया गया है। यहाँ पे इसको देख लीजिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, यानी कि प्लस 4 को ऐड किया गया है। इसका चेक करें, 7 है और यहाँ पे 10, यानी कि प्लस 3 ऐड किया गया है। अब इसका चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 11, यानी कि दिख रहा है सीधा सीधा कि 2 को ऐड किया गया है।
यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 13 है, इसमें क्या है प्लस 1 को ऐड किया गया है। कोडिंग किस टाइप से किया गया भाई, प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 1, इसी टाइप से हम लोग टावर का भी निकाल सकते हैं। इसमें भी एक कोड में आप देख सकते हैं एक अल्फाबेट न्यूमेरिक डिजिट, अल्फाबेट न्यूमेरिक डिजिट और अल्फाबेट। चलिए इसी टाइप से हम लोग टावर का भी निकाल सकते हैं, टी ओ डब्ल्यू ई आर। पैसा वैल्यू पहले लिख लीजिए आप, 20 16 20 16 डब्ल्यू का आपका 23 5 18। अब चलिए दोस्तों वो का प्लेस ऑफ वैल्यू दोस्तों 15 होता है 15। चलिए इसका भी चेक कर लेते हैं, कोडिंग किस टाइप किया गया भाई, यहाँ पे प्लस 5 को ऐड किया गया है, तो 18 में हम 5 ऐड करेंगे तो 23, 5 में 4 को ऐड किया गया है भाई, इसमें भी 4 ऐड करो, 5 4 9, इसमें 3 ऐड करेंगे, 23 में 3 ऐड किया 26, यदि 15 की बात करें तो 15 में आप 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, और 20 में आप 1 ऐड करेंगे तो 21। अब भाई हमने लाइट के कोड में देखा कि एक अल्फाबेट है न्यूमेरिक डिजिट है फिर अल्फाबेट है फिर न्यूमेरिक डिजिट है और फिर अल्फाबेट है, उसी टाइप में इसका भी हम कर सकते हैं भाई। 23 पे क्या आता है आपका डब्ल्यू, फिर 9 को लिया, 26 पे आपका जेड आता है जेड लिया, 17 को फिर ले लिया, 21 पे आपका यू आता है, यानी कोड क्या हो गया टावर का, टावर कोड हो गया आपका W9Z17U। कौन सा ऑप्शन सही है आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, W9Z17U ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर का कोड क्या दिया है D16W22U8 और हम्बल कोड आपसे पूछ रहा है, तो पहले हम लोग मास्टर का चेक करेंगे किस टाइप से कोडिंग किया गया है, यदि उसका मालूम चलेगा तो हम्बल का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए पहले मास्टर का चेक कर लेते हैं, M A S T E R, थोड़ा स्पेस देके लिखना पड़ेगा, M A S T E R। कोड क्या है D16W22U8। अब किस टाइप से कोडिंग किया गया दोस्तों, पहले हम लोग चेक करेंगे इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू लिख लेते हैं, यम का 13, ए का 1, यस का आपका 19, टी का 20, ई का 5 और आर का 18। दोस्तों किस अब यहाँ क्या है कोड में, पहले डी है, अब दोस्तों यदि देखो यहाँ पे इसको इसमें क्या करेंगे प्लस 3 ऐड करें तो क्या है 3 एक है और 3 को ऐड किया तो क्या हो जाएगा आपका 4, इसमें भी अब यदि हम 3 ऐड कर दें कितना हो जाएगा 16। अब दोस्तों इसका भी कर लेते हैं, यहाँ पे भी 3 ऐड किया कितना हो जाएगा 23, यहाँ पे भी 3 ऐड किया जाए कितना हो जाएगा 22, इसमें यदि 3 ऐड करें कितना हो जाएगा 18, 3 21 और इसमें भी 3 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 8। अब आप देख सकते हो कि एक अल्फाबेट लिया है तो 4 के स्थान पे हम डी लिख सकते हैं, फिर एक न्यूमेरिक डिजिट है 16 रख दिया, फिर अल्फाबेट है 23 पे आपका डब्ल्यू आता है, फिर एक न्यूमेरिक डिजिट है 22 को ले लिया, फिर एक अल्फाबेट है 21 पे आपका यू आता है और फिर एक न्यूमेरिक डिजिट, यानी कोड आप देख सकते हैं कि यही सेम कोडिंग कोड है
यानी किस टाइप से कोडिंग किया गया है, क्रॉस कोडिंग किया गया है, क्रॉस में कोडिंग करके प्लस 333 हर एक में ऐड किया गया है, इसमें भी क्रॉस कोडिंग किया प्लस 3 ऐड किया, इधर भी क्रॉस कोडिंग किया प्लस 3 ऐड किया, हर एक में क्या है प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 को ऐड किया गया है, इस टाइप से कोडिंग किया गया है। तो चलिए दोस्तों इसी टाइप से हम हम्बल का भी निकाल लेते हैं। यदि हम हम्बल की बात करें, एच यू एम बी एल ई, इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख लीजिए 8, 21, 13, 2, 12 और 5। पहले क्या किया गया भाई, इसमें हम प्लस 3 को ऐड करेंगे तो 21 और 3 24 मिला आपको, इसमें भी 3 को ऐड किया गया तो 11 मिला, यदि इसमें भी 3 ऐड किया गया तो 5, इसमें भी 3 ऐड किया गया तो 16, इसमें भी आप 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब क्या है कि एक अल्फाबेट लेना है, एक न्यूमेरिक डिजिट, तो 24 पे आपका एक्स आता है, आप एक्स ले लिए, 11 को ऐसे रहने दो, 5 पे आपका ई आता है, ई ले लीजिए, फिर 16 को ऐसे रहने दो, 8 पे आपका एच आता है, एच ले लिया, और 15 को ऐसे ही रहने दो। यानी हम्बल का कोड क्या हो गया, एक्स 11, हम्बल कोड हो गया आपका एक्स 11 ई 16 एच 15। कौन सा ऑप्शन सही है आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एक्स 11 ई 16 एच 15, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, प्रताप का कोड आपको दिया गया है और शक्ति का कोड आपसे पूछ रहा है, तो चलिए प्रताप को पहले निकाल लेते हैं फिर आगे शक्ति का निकालते हैं। यदि हम प्रताप की बात करें तो आप लिख सकते हैं भाई पी आर ए टी ए पी, थोड़ा सा स्पेस देकर दोस्तों लिखते हैं, क्या है प्रताप, पी आर ए टी ए पी, इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू लिख लीजिए, कोड क्या है, कोड है एस 18W5U7। अरे इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख लेते हैं 16, 18, 1, 21, 16। अब क्या है दोस्तों, इसमें भी क्रॉस कोडिंग ही किया गया है, अब किस टाइप से कोडिंग किया है चलिए चेक कर लेते हैं। यहां पे देखिए कितना है, यस है, इनकी यस का प्लेस ऑफ वैल्यू आप 19 होता है। अब दोस्तों यहां पे देखो, यहां पे 18 है, यदि इसमें हम प्लस 1 ऐड करें तो आपका 19 आ जाएगा, यदि इसमें हम प्लस 2 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अभी इसमें इसमें यदि हम प्लस 3 ऐड करें तो 23 आ जाएगा, इसमें प्लस 4 ऐड करें तो 5 आ जाएगा, इसमें प्लस 5 ऐड करें तो 21 मिल जाएगा आपको, और यदि इसमें प्लस 6 ऐड करें तो 7 मिल जाएगा। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं इसका कोड क्या होता है, देखो 23। अब देखो इसमें क्या है, एक अल्फाबेट, एक न्यूमेरिक डिजिट, अल्फाबेट फिर न्यूमेरिक डिजिट फिर अल्फाबेट और फिर न्यूमेरिक डिजिट। अब यहाँ पे देखो 19 पे क्या आता है आपका यस, 18 को आप ऐसे रहने दो, 23 पे आपका डब्ल्यू आता है, फिर 5 ऐसे रहने दो, 21 पे आपका यू आता है और 7। यानी देखो यही कोड है, इसी टाइप से आप शक्ति का भी निकाल सकते हैं। यदि शक्ति की बात करें तो क्या हो जाएगा, यस यस एच ए के और टी आई, प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख लीजिए फटाक से,
यस पे 19, 8, 1, 11, 20 और 9। अब क्या है भाई दोस्तों, कोडिंग हमने देखा कि भाई क्रॉस कोडिंग करके प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5 और प्लस 6 इसी टाइप से आप प्रताप शक्ति में भी निकाल लगा सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें हम प्लस 1 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, इसमें प्लस 2 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा, इसमें प्लस 3 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, इसमें प्लस 4 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, इसमें प्लस 5 ऐड करेंगे 14 आ जाएगा आपका, और इसमें प्लस 6 ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा। अब क्या है, हमने प्रताप में देखा था कि भाई एक अल्फाबेट, एक न्यूमेरिक डिजिट, अगेन अल्फाबेट, फिर न्यूमेरिक डिजिट, फिर अल्फाबेट और फिर न्यूमेरिक डिजिट, उसी टाइप से इसमें भाई कर सकते हैं। भाई पहले अल्फाबेट लेना है तो 9 पे आपका आई आता है, न्यूमेरिक डिजिट में 21 को रहने दो, 14 पे आपका एन आता है, फिर 5 को आप ऐसे ही रहने दो, फिर 14 पे आपका एन आता है, फिर 26 को ऐसे रहने दो। क्या कोडिंग क्या है भाई, शक्ति का आई 21 1 5 n 26, शक्ति कोड यही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है चेक कर सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, i 21 n 5 n 26, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेस को क्या है USADE लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको टाइगर का कोड पूछ रहा है। तो चलिए पहले ट्रेस का चेक कर लेते हैं किस टाइप से कोडिंग किया गया है, फिर टाइगर का चेक करते हैं। ट्रेस क्या है, TRACE, ट्रेस कोड क्या है USADE, ट्रेस ऑफ वैल्यू आप लिख लीजिए 20 18 1 3 और 5, इसका भी आप लिख लीजिए 21 19 1 4 5। अब किस टाइप से कोडिंग किया गया है चलिए चेक करते हैं। अब दोस्तों यहां देख सकते हैं कि यहां 20 है, यहां पे 21, यानी क्या है प्लस 1 ऐड किया गया है, यहां पे देखो 18 है, यहां पे 19, यानी कि प्लस 1 इसमें भी ऐड किया गया है, यहां पे आप ए है, अगेन आप देख सकते हैं कि ए है, यानी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, नो चेंज। यहां पे आप देख सकते हैं 3 है, नेक्स्ट कोडिंग में आप देख सकते हैं यहां पे 4 है, यानी कि प्लस 1 इसमें भी ऐड किया गया है। अब यहां पे देखो 5 है और यहां पे भी 5 है, इसमें भी क्या है नो चेंज। यानी दोस्तों इसमें किस टाइप से कोडिंग किया गया है, जो कंसोनेंट है उसमें क्या है प्लस 1 ऐड किया गया है, जो वॉवेल्स है उसमें क्या है कोई चेंज, वॉवेल्स में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, और कंसोनेंट में क्या है प्लस 1 ऐड किया गया है, इसी टाइप से हम टाइगर का निकाल सकते हैं। कंसोनेंट रहेगा तो प्लस 1 ऐड किया जाएगा, यदि वॉवेल्स रहेगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चलिए टाइगर का कोड क्या है चेक कर लेते हैं, TIGER, टाइगर का कोड क्या है, पहले इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख लीजिए 20 9 7 5 और 18। अब क्या है भाई यहां पे देखो 20 है तो आप प्लस 1 ऐड कर दीजिए 21। अब यहां पे देखो आई है, ये क्या है वॉवेल से, तो क्या है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सीधा सीधा नो ही रख दिया गया है, इसमें क्या है प्लस 1 आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 8। फिर आपके देखो वॉवेल से, यहाँ पे वॉवेल है तो इसमें भी कोई चेंज
नहीं करना है, यानी 5 को सीधा सीधा रख दीजिए। यहाँ पे 18 है, इसमें प्लस 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 19। इनके आप अल्फाबेट्स लिख दीजिए, वही आपका कोडिंग हो जाएगा, कोड हो जाएगा। यानी 21 पे आपका क्या आता है U, 9 पे I, 8 पे H, 5 पे E और 19 पे S। तो टाइगर कोड क्या हो गया U I H E S। कौन सा कोड, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें? यू आई एच ई एस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यू आई एच ई एस, यू आई एच ई एस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक किसी सांकेतिक भाषा में काउ का कोड क्या है, डी यू एक्स, तो डी के कोड आपसे पूछ रहा है। तो चलिए काउ का पहले चेक कर लेते हैं, सी ओ डब्ल्यू कोड क्या है भाई, डी यू एक्स, इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख लीजिए, 3 इसका 15 और डब्ल्यू का आपका 23, डी का 4, यू का 21 और एक्स का 24। अब दोस्तों चलिए इसमें किस टाइप से कोडिंग किया गया है, यहाँ पे आपको 3 दिखा, यहाँ पे 4, यानी कि प्लस 1 ऐड किया गया है। यहाँ पे देखो ओ है और अगेन क्या है, यू है, यानी कि वॉवेल्स कितने टाइप के होते हैं, ए आई ई ओ यू, ये 5 टाइप के होते हैं। अब इसमें कोडिंग किस टाइप से किया गया है, देखो यहाँ पे ओ है और यहाँ पे यू है, यानी कि इसका कोड नेक्स्ट वॉवेल के साथ किया गया है। यू के बाद क्या आता है, ओ के बाद क्या आता है, यू, यानी यहाँ पे ओ था तो नेक्स्ट क्या है, यू, यानी आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट वॉवेल को कोड किया गया है। इसी टाइप से आप डिक का भी निकाल सकते हैं भाई, यहाँ पे इसका भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 24, यानी कि प्लस 1 ऐड किया गया है, यानी कि जो एक वॉवेल दिया है इसके नेक्स्ट जो अगला वॉवेल आता है उसको लेके कोडिंग किया गया है। इसी टाइप से हम लोग डिक का भी चेक कर लेते हैं, डी डी आई जी 497। अब क्या है भाई, इसमें प्लस 1 को हम ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखो एक वावेल है, इसके नेक्स्ट जो वावेल आता है उसी कोड पकड़ना पड़ेगा। यहाँ देखो लास्ट में ओ था तो इसका जो आगे नेक्स्ट वाला वावेल आता है उसको लिया है कोड में, तो आई के बाद कि नेक्स्ट क्या आता है आपका ओ, वावेल यदि सीरियल से देखो ए ई आई ओ यू, ये 5 टाइप के 5 होते हैं। तो क्या है कि आई के बाद क्या है वावेल में आपका ओ, तो यहाँ पे आई के स्थान पे वो हो जाएगा, इसमें भी प्लस 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। कोड क्या हो जाएगा इनका, यस पे आपका क्या आता है और 5 पे आपका ई आता है ओ और 8 पे आपका यच आता है, कोड क्या हो गया ई ओ एच। ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।